जय हिंद साथियों, स्वागत आपका सार्जेंट डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आपका अपना साथी सुनील भारती, एक्स एनसीसी कैडेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस का मेडिकल चेकअप करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह का वहां पे मेडिकल चेकअप होता है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, और आपको अगर कोई गलती है, कोई अगर मेडिकल में अनफिट हो, कोई दिक्कत है, तो किस तरह उसको दूर करना है। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। जो भी लड़के यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो, तो आपको अंत तक देखना भाई, इससे आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आ जाइए, मैं चाहूँगा कैमरा में नजदीक आइए। ये हमारे साथी लोग हैं जो यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनका पेपर होने वाला है, इसके बाद इनका फिजिकल फिर मेडिकल। इनका पेपर अच्छा जा रहा है और फिजिकल निकल जाएगा 5 किलोमीटर, इनकी टाइमिंग अच्छी जा रही है। अब इनका मेडिकल रह जाएगा, तो मेडिकल में क्या क्या चेकअप करते हैं दोस्तों, वो चीज़ मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऊपर से मेडिकल। दोस्तों, जब आप जाएंगे फिजिकल के बाद, तो वहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपको ऐसे लाइन से लगवा दिया जाएगा। लाइन से लगवाने के बाद वन बाई वन मैनुअली चेक करेंगे। ठीक है, और कैसे चेकअप करते हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आई आँखों से चेकअप किया जाएगा। आँखों के लिए क्या रहेगा, यूपी पुलिस में 6x6, 6x9 एवं 6x12 तक मान्य है। जिन भी साथी का यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है और 6x12 तक है, यानी कि चश्मा भी लग रहा है, उसका हो जाएगा। इसके लिए आपको 6 मीटर दूर से पढ़ाया जाएगा, 6 मीटर दूर से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी अल्फाबेटिक नंबर दिया जाएगा, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि आप इसको पढ़ के बताइए। अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि आपका 6x12 है, 6x9 है, कितना है। ठीक है, और आँखों में एक चीज़ और देखी जाती है, वो है कलर विजन। जिस भी साथी को कलर विजन है, कलर विजन का मतलब ये है कि जो जिस भी साथी का कलर विजन होता है, उसको लाल और हरा दो रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। अरे, समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए अगर आपको कलर विजन है तो दोस्तों कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि कलर विजन लाइलाज बीमारी है। इसको आपको क्या है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप कलर विजन की बुक आती है, आप उसको अभ्यास करें तो शायद कुछ निराकार हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आँखों में ये देखा जाता है, इसके साथ आँखों में लेंस वगैरह चेकअप किया जाता है। कहीं आँख में कोई लेंस वगैरह तो नहीं लगवा के आया है, कोई फ्रॉड करके नहीं आया है, इसलिए आपको आँखों में से रोटेट करने के लिए बोला जाएगा। सामने देखिए, बिल्कुल सिर्फ पलक को गर्दन अपनी जगह पे, चलिए नॉर्मल इस तरह आँखों को चेकअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद मुंह, यानी कि मुंह पे देखा जाएगा कि मुंह में किस तरह क्या है, आपके दांत में कैविटीज वगैरह तो नहीं है। ठीक है, कहीं दांत आपके टेढ़े मेढ़े बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ चेकअप करेंगे। और एक चीज़ और कि दांत मुंह में ऐसे इस तरह का अंगुल, चार अंगुल की तरह आपका मुंह, अपनी जो हथेली होती है उसको आप लगाइए और इसको पूरा ओपन कराएंगे, इस तरह पूरा जाना चाहिए। चलिए नॉर्मल। दोस्तों, ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि जो भी साथी बहुत ज़्यादा गुटखा जरकर खाता है ना, बहुत ज़्यादा नशा करता है, तंबाकू खाता है, उसका जो मुंह होता है ना, छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मेडिकल में अनफिट हो जाएगा। तो कभी आप अगर गुटखा वगैरह खा रहे, जर्दा वगैरह खा रहे, तो आप छोड़ दीजिए भाई, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, आगे मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। मुख में बस इतना ही देखा जाता है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं देखी जाती। अब बात करेंगे नाक में, तो नाक में दोस्तों, नाक में नाक की हड्डी जो होती है वो सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ नाक में कोई किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, ना ही ब्लड आनी चाहिए, मेनली बस इतना ही देखा जाता है। और यूपी पुलिस ने दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि अगर नाक में हड्डी टेढ़ी है तो आप ऑपरेशन करा के जाएंगे तो तब भी मान्य रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो C1 कैटेगरी का होता है। C1 कैटेगरी में लगभग 90% लड़के पास हो जाते हैं, जिनका जो भी प्रॉब्लम रहता है 90% वो बंदा फिट हो जाता है। चलिए इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, कानों से। तो कानों से रिलेटेड बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि सर बताइए कि यूपी पुलिस में अगर मेरे कान के पर्दे में छेद है तो क्या मैं मान्य रहूँगा कि नहीं रहूँगा? तो दोस्तों जी हाँ, आप मान्य रहेंगे, बशर्ते आपको सुनाई देना चाहिए। अगर वहाँ पे अधिकारी लोग आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ आप बताइए, आपको सुन पा रहे हो, तो आपको मेडिकल फिट रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि लड़के बहुत सारे बोल रहे थे मुझे कि सर मेरा कान के पर्दे चेकअप मैंने कराया, कान के पर्दे मेरा क्या फटे हुए हैं, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करिए तो ही ठीक हो पाएगा।
तो क्या बिना ऑपरेशन के वहाँ पे मान्य है कि नहीं है? है मान्य, लेकिन आपको सुनाई देना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। सिर्फ कान में इतने देखा जाता है। और एक चीज़ और, जो भी साथी मेडिकल कराने जाए तो सबसे पहले आप कान का बढ़िया साफ सफाई जरूर करा के जाए। जो लड़का कान की सफाई करा के नहीं जाता है, बाद में क्या होता है, उसको री मेडिकल दे दिया जाता है, क्योंकि कान में बहुत सारी गंदगी होती है, फूट रहता है, बहुत तरह तरह का हो सकता है, ब्लड भी आता हो या मवाद वगैरह सारी चीज़ें होती है। तो आप उसको सफाई अच्छे से करा के जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों आप ज़रूर नोटिस करें, क्योंकि कभी आप ये चीज़ें नहीं करोगे दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप शुरू करते हो शोल्डर, शोल्डर में आपका बिल्कुल प्रॉपर रहना चाहिए, ऐसा ही, ऐसा नहीं बोल लड़कों का ऊपर बोल नीचे रहे, बिल्कुल सीधा रहे, ठीक है। शोल्डर आपका बिल्कुल सीधा, सामने देखो, बस। चेस्ट में क्या है, बिल्कुल चेस्ट में आपको बिल्कुल टाइटनेस रहे। बहुत सारे लड़कों के चेस्ट में क्या होता है कि यहाँ की जो फैट होती है बहुत, क्या होती है, मसल बहुत लूज हो जाती है, वो एक तरह का बीमारी का संकेत रहता है उसको, ठीक है, ठीक करा लीजिए डॉक्टर को अपेक्षा उससे बात करके, ठीक है। ये भी चीज़ें देखी जाती है। जो आपके निजी अंगों की बात करें तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका देखा जाता है कि ब्रिसर जो होता है ना, ब्रिसर में पानी वगैरह तो नहीं भरा है, उसमें कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कि कहीं तीन ब्रिसर तो नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा छोटा बड़ा तो नहीं है। अगर 19-20 रहता है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा है नहीं चल पाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा चेकअप आपके इसलिए की करते हैं हाइड्रोसील का, अगर हाइड्रोसील है तो उसको भाई इलाज करा ले आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर क्या जो हमारा पेनिस है उसका जो टोपी है अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, तो क्या उसका भी कोई मेडिकल लगता है, क्या प्रॉब्लम होती है क्या? तो दोस्तों कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपकी टोपी ठीक है नहीं खुल रही है या खुली है कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है या बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, अगर टेढ़ा भी है सीधा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसमें जो छेद होते हैं जहाँ से आपका यूरिन निकलता है, सामने देख रहे हैं, जो यूरिन होता है वहाँ से आपका एक ही यूरिन निकलना चाहिए, एक ही छेद होना चाहिए। बहुत लड़कों क्या जिनका प्रॉब्लम होती है वो उनको दो छेद हो जाते हैं, जिससे क्या उनका मिसमैचिंग हो जाता, दिक्कत होती है उनको आगे चल के। तो अगर ये है तो आप डॉक्टर जरूर सलाह लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ आपका आगे की तरफ से, पीछे की तरफ में आपको नॉर्मली आपको बवासीर देखेंगे, ठीक है। बवासीर में आप सभी को पता है दोस्तों कि जब आप जिनको भी बवासीर हो जाता है उनको वही ब्लड वगैरह आता है, तो आप क्या ध्यान रखिए, आप डॉक्टर से मिलके उसको सलाह लीजिएगा भाई, क्योंकि बवासीर हो जाएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जिस भी साथी बवासीर वगैरह है उसको पाइल्स बोलते हैं, उसको आप ठीक करा ले बाबू, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपकी नौकरी में बाधक रहती है। तो अब बात करते हैं एल्बो का, एल्बो का किस तरह चेकअप किया जाता है। सभी लोग हाथ सामने कीजिएगा, हथेली सामने तरफ कीजिएगा, सभी सामने हाथ पूरा खोलिएगा, पूरा खोलिए, ठीक है दोस्तों। मैं चाहूँगा कैमरामैन नज़दीक आइएगा, बिल्कुल नज़दीक आइएगा, ये देखिए वहाँ पे इस तरह का एल्बो चेकअप होगा। और जिस भी साथी की यहाँ पे हड्डी अगर सटेगी तो उसको क्या रीमेडिकल मिल जाएगा दोस्त, आपका भी सट रहा है, ठीक है। आप पुशअप मारिए अच्छे से डायमंड पोजीशन का, ध्यान रखिए कि यहाँ की हड्डी सटनी नहीं चाहिए, ठीक है। कौन ये प्रावट सामने देखिए, इनका दिखाइए दोस्तों, इनका देखिए आप, इनका यहाँ बिल्कुल बाहर है, यानी इनका नहीं सट रहा, इनका सही है, गुड। प्रावट सबस सीधा करो, सबस बहुत बढ़िया, काफ़ी गैप है, गुड। दिखाइएगा बहुत बढ़िया, देखिए जितना भी आपका गैप रहेगा बसरते यहाँ पर आपकी हड्डी टेढ़ी नहीं रहे, बस आप फिट हो रहे हो। कभी यहाँ पे आपकी यहाँ पे सट रहा है तो दिक्कत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इधर दिखाइएगा, बोल रहे गुड, सबस बोल रहे काफ़ी गैप, सबस बोल रहे गुड। तो दोस्तों एल्बो में सिर्फ इतना ही देखा जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखा जाता। बहुत लड़के कमेंट करते हैं सर एल्बो में क्या ये जो यहाँ की जो नसें वगैरह अगर उभरी हुई है तो क्या वहाँ भी चेकअप होता है क्या? कुछ भी नहीं होता, यूपी पुलिस में ओनली फॉर आपका जो हड्डी है वो चीज़ सटनी नहीं चाहिए, यहाँ की जो हड्डी है वो सटनी नहीं चाहिए, बस इतना ही देखा जाता है। देखते दोस्तों नौकनी में सभी लोग सटाइएगा, पैर को सटाइएगा, तब बिल्कुल सामने की तरफ सटाइए, सभी लोग सामने तरफ देखिए, सभी लोग सामने तरफ देखिए। मैं चाहूँगा कैमरामैन यहाँ से दिखाइएगा आप, ये जो ये यहाँ की जो आप नी देख सकते हैं घुटना, ये सटना नहीं चाहिए, आगे दिखाइएगा, तो बस 30 डिग्री बनाइए, 30 डिग्री बनाओ आप, नहीं सट रहा है, गुड। दिखाइएगा 30 डिग्री बनाइए, इसको अंदर तरफ करो, इस लड़के का माइनर देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनर नौकनी है, एक्सरसाइज करना बाबू आपको, ठीक है, तो बस बहुत गुड।
एक बार आप बनाइए, पहले सीधा करो, आप सीधा करो, ठीक है। अब आप 30 डिग्री बनाओ, अंदर करो इसको, गुड बोल दे, फिट हो, सबस सबस, ठीक है। 30 डिग्री बनाओ, पढ़ाओ जल्दी, उठाओ इसको ऊपर, सट रहा है आपका भी, गुड बोल दे। तो अगर आपको है तो दोस्तों इसके लिए एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज की वीडियो मैंने डाल रखा ऑलरेडी, आप उस वीडियो को देखिए, आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे किस तरह एक नौकनी है तो उसको कैसे ठीक करते हैं। उसको आप कर लीजिए, रेगुलर कीजिए, एक महीने के अंदर आपकी, ठीक है, नौकनी दूर हो जाएगी। कभी आप उन एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने वीडियो में डाल रखा ऑलरेडी, ठीक है। इसके साथ में लास्ट में आपको दोस्तों फ्लैट फुट चेकअप होता है, लास्ट में फ्लैट फुट चेकअप होता है। तो फ्लैट फुट किस तरह चेकअप करते हैं मैं चाहूँगा कैमरा पीछे से आइए, पेपर दिखाइए, सभी लोग अपना दाहिने पैर उठाओ फटाफट, इस तरह दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कभी आपका कर्व बना है तो आपका फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे सीधा सीधा है तो फ्लैट फुट माना जाएगा। चलिए उठाइए, उठाओ, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है क्या? यस सर जी, पूरा अच्छे देख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा फटाफट उठाइए पैर को, गुड, यहाँ पे कर्व बना हुआ देख सकते हैं आप, ठीक है, सबस गुड, ठीक है, देखिए और सर बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह मैं चाहूँगा, आ जाइए दोस्तों, फ्लैट फुट हो गया और ये ही लास्ट है। इसके अलावा यूपी पुलिस में कुछ भी चीज़ें नहीं देखी जाती है, इस बस इतनी है, कभी आप इन सभी चीज़ों से फिट हो, यकीन मानो वर्दी आपसे दूर नहीं रहेगी, वर्दी आपको पक्का मिलेगी मिलेगी, ठीक है। और कभी प्रॉब्लम है इनमें से, मैंने जिस भी चीज़ में बताया उसको आप ठीक करा ले भाई, या आप हमारे दिए गए नंबर है, यूट्यूब पे चैनल है अपना, इस पर वीडियो पे नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करके पूछ लीजिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या उपाय है, मैं उसको सोल्यूशन निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगी हो, वीडियो कभी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कभी आप भी आना चाह रहे हैं यहाँ पे, डिफेंस फोर्सेज फिजिकल तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार की फिजिकल तैयारी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आइए, गारंटी साथ तैयारी कराऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।